भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और भारत के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो आइए बाईचुंग से बातचीत करते हैं। बाईचुंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम आवर साइड फॉर कमिंग ओवर टू चंडीगढ़। एट द सेम टाइम हमें ये बताइए कि चंडीगढ़ आने का पर्पज़ क्या था? ये लगातार दो साल में आपका दूसरा विजिट है चंडीगढ़ का, तो यहाँ कैसे आना हुआ? ये हर एक साल हम लोग चंडीगढ़ फुटबॉल लीग बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये हमारा सेकेंड ईयर है। जो सेकेंड ईयर जो पहले फर्स्ट ईयर से आई थिंक इस साल का जो रिस्पॉन्स हुआ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। हमारा जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेट किया उसमें कम्प्लीटली डबल ट्रिपल हो गया। सो आई थिंक इट्स अ बहुत इंकरेजिंग साइन है फुटबॉल चंडीगढ़ के लिए और जो बच्चे लोग इधर खेलते हैं। बाईचुंग, साथ ही हमें ये बताइए, आप यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो जूनियर फुटबॉलर्स जो हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जूनियर फुटबॉलर्स भारत के जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिस किस्म का टैलेंट जूनियर फुटबॉलर्स में मौजूद है उससे कितने सेटिस्फाइड हैं आप? डेफिनेटली जूनियर्स में हम लोग आई थिंक थोड़ा बहुत अच्छे कर रहे हैं, बट मुझे लगता है और ज़्यादा करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रास रूट लेवल फुटबॉल। हम लोग काफ़ी इतना प्रोफेशनल और काफ़ी इतना मेहनत नहीं करते ग्रास रूट लेवल में। तो हमारा मेन रीज़न ही बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल स्टार्ट करने, ऑल ओवर इंडिया जो स्टार्ट करने का मकसद ही था कि यूथ ग्रास रूट लेवल में हम लोग थोड़ा फोकस करें। बाईचुंग, लगता है कि कहीं ना कहीं जूनियर फुटबॉलर्स को बेटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है अगर हम भारतीय फुटबॉल का स्तर ऊपर लेकर जाना चाहते हैं? डेफिनेटली येस, बिकॉज फैसिलिटीज़ और जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये एज जूनियर लेवल में जितने हम लोग टेक्निकली काम कर सकेंगे उतने बच्चे लोग के लिए उतने अच्छा है। बाईचुंग, आज जिस लेवल पर भारतीय फुटबॉल पहुँची है उसे कैसे देखते हैं आप और उससे कितने सेटिस्फाइड हैं आप? आई थिंक भारतीय फुटबॉल को वर्ल्ड स्टैंडर्ड में देखें तो हमें काफ़ी नीचे ही है। हम लोग आई थिंक बहुत मेहनत करना पड़ेंगे। मुझे आशा है कि फ्यूचर बहुत स्कोप है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क हम लोग काफ़ी करना पड़ेंगे। एंड एक तो स्ट्रक्चरल सिस्टम हम लोग को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा और फुटबॉल जितने भी हो सके क्वालिटी फुटबॉल, क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी टूर्नामेंट्स इधर ले आके हम लोग जितना हो सके उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एंड आर यू सेटिस्फाइड विद द वे योर करियर अनफोल्डेड? Definitely yes, in terms of looking at Indian football, देखते हुए आई थिंक आई बीन वेरी लकी। मेरा करियर जो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग करियर, सो दैट वे मैं काफ़ी खुश हूँ और येस डेफिनेटली मैं चाहता हूँ इंडियन फुटबॉल और आगे जाए। बट लुकिंग एट ऑल द डिफिकल्टीज ऑल दैट आई एम वेरी हैप्पी। आप इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन आप फिर भी फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी किस्म की एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल क्या कुछ आपके करियर में चल रहा है और किस किस्म की एक्टिविटीज़ से आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। ये फर्स्ट थिंग बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल जो है हम लोग ट्रेनिंग सेंटर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में खुला हुआ है, उसके बाद जो लीग उधर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एट द सेम टाइम मैं यूनाइटेड सिक्किम फुटबॉल क्लब भी हम खुद का मैं एक को ओनर हूँ। तो दो तीन चीज़ें लेके, फुटबॉल रिलेटेड चीज़ लेके हम काफ़ी बिजी हैं। एक आखिरी सवाल बाईचुंग आपसे पूछना चाहूँगा, मैसेज क्या देना चाहेंगे भारतीय फुटबॉलर्स को वो बताइए। आई थिंक भारतीय फुटबॉलर्स लोग को जितने भी मेहनत करे आई थिंक फुटबॉल इंडिया में ग्रो होगा, बिकॉज आई थिंक वी नॉट जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड देखा जाएगा तो हम लोग काफ़ी कम हैं, बट बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सब मिलके एक साथ मिलके हम लोग हार्ड वर्क मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन रीच, बट इट नीड्स लॉट ऑफ वर्क एंड डेडिकेशन। हमसे बात करने के लिए बाईचुंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे बाईचुंग भूटिया और बाईचुंग भूटिया का मानना है कि भारतीय फुटबॉल एक अच्छे स्तर पर ज़रूर पहुंच चुकी है लेकिन अभी और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अगर भारतीय फुटबॉल नई ऊंचाइयां छूना चाहती है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ प्रवेश संधू, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।